Hey everyone and welcome back to another video. मैं recent video के कुछ comments को देख रहा था and even तुम्हारे Instagram DMs को देख रहा था and उसमें maximum लोग यही बात कर रहे थे कि तुम India से related कोई video क्यों नहीं बनाते, तुम्हारे जितने भी clips होते हैं या फिर YouTuber से related आजकल तुम बना रहे हो सारे foreign के होते हैं, तो India में क्या ऐसे creepy चीज़ें नहीं होती, तो India के related कुछ बनाओ। आज के इस video में हम India से related कुछ unsolved and काफ़ी mysterious चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उनके कुछ stories को जानेंगे and also उनके बारे में थोड़ा बहुत discuss करेंगे एंड जानेंगे। कुलधारा विलेज की कहानी काफी पुरानी है, आज से लगभग 300 साल पुरानी कहानी है। राजस्थान में सिचुएटेड इस कुलधारा विलेज को इंडिया सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है, लेकिन उसकी क्या हिस्ट्री थी एंड उसकी क्या स्टोरीज थी जिसके वजह से आज कुलधारा विलेज को जाने से लोग डरते हैं, वो पूरा विलेज खाली क्यों है, इन सारी मिस्ट्रीज के बारे में अभी बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, ये कहानी आज से लगभग 300 साल पुरानी है। कुलधारा विलेज का कोई राजा नहीं था। कुलधारा के राजा की मौत एक युद्ध में हो चुकी थी एंड राजा का बेटा बहुत ही छोटा था, तो उसे तो राजगद्दी नहीं थमा सकते थे, इसीलिए उस समय उस पूरे राज्य का जो दीवान था उसी को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया था। उस समय दीवान सलीम सिंह उस पूरे राज्य को संभालता था। कुलधारा के अंदर 85 से भी ज्यादा पालीवाल ब्राह्मिन्स के परिवार रहते थे और वो पूरे विलेज में 1500 से भी ज्यादा पालीवाल ब्राह्मिन्स रहते थे। सलीम सिंह को उसी गांव के एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की के मना करने के बावजूद भी सलीम सिंह उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था और पालीवाल ब्राह्मिन्स को ये बात स्वीकार नहीं हुई एंड इसीलिए उन्होंने सलीम सिंह को उसके मुंह पे इस चीज के लिए मना कर दिया। पर सलीम सिंह इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हुआ एंड उसने गांव वालों को डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया कि वो उनके टैक्स को बढ़ा देगा एंड उन्हें चैन से रहने नहीं देगा। इस चीज को करने के बाद पालीवाल ब्राह्मिन्स बहुत बड़े परेशानी से गुजरने लगे एंड एक रात उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे कुलधारा में जो 85 विलेजेस हैं और उसके जो 1500 लोग हैं वो उस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि तुम रातों रात कहीं भी निकल जाओ, पर यहाँ पे एक सबसे मिस्टीरियस चीज होती है, पूरे कुलधारा के पालीवाल ब्राह्मिन्स रातों रात कहीं गायब हो जाते हैं। किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ गए और उस गांव को छोड़ के कैसे गए, बस रातों रात वो उस गांव से गायब हो गए। एंड उस चीज के होने के बाद आज तक ये बात एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गई कि आखिर पालीवाल ब्राह्मिन्स कुलधारा को छोड़ के गए कहाँ और रातों रात उस पूरे गांव को छोड़ के कैसे जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। और इस चीज को भी माना जाता है कि जो उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग थे वो उस गांव को छोड़ के नहीं जा सके और इतने सारे परेशानियों के अंदर उन्होंने अपने गांव को छोड़ने से ज्यादा आसान वहां मर जाना समझा एंड सारे बुजुर्ग लोगों ने एक डिसीजन लिया एंड उसी गांव के अंदर मास सुइसाइड करके मर गए। उसके बाद से माना जाता है कि उन सारे बुजुर्गों के आत्माओं को शांति नहीं मिली थी एंड इसीलिए वो उसी गांव में भटकते रहते हैं। एंड उन्होंने उस गांव को एक श्राप भी दे दिया था कि अगर आज हमें इस गांव को छोड़ के जाना पड़ रहा है तो हमारे बाद इस गांव में और कोई रह भी नहीं पाएगा, और इसीलिए आज के टाइम पे भी पूरा कुलधारा विलेज खाली पड़ा है एंड वहां पे एक भी फैमिली नहीं रहता। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो तुम्हें हॉरर एंड थ्रिलर टॉपिक्स तो पसंद होंगे ही ऑब्वियसली, एंड अगर तुम आज के इस वीडियो को भी देख रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो तो तुम्हें मिस्ट्रीज एंड मिस्टीरियस टॉपिक्स भी पसंद ही होंगे। सो मैं तुम्हें अभी इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड एक चीज बताने वाला हूँ। मोस्ट अवेटेड डिटेक्टिव थ्रिलर वेब सीरीज डिटेक्टिव बुमराह का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस सीरीज में डिटेक्टिव बुमराह एक ऐसे आदमी की खोज कर रहे हैं जो छत से तो कूदा पर कभी नीचे नहीं आया। तुम एक बार के लिए डिटेक्टिव बुमराह के ट्रेलर की एक झलक देखो। समय की बात भी अलग है, जब वो अंगड़ाई लेता है तब हम कठपुतली बन बीच में झूलते नजर आते हैं, जैसे मैं आज मौत को गले लगाने वाला हूं। रोपा मवेली, राजस्थान। कुछ दिन पहले देर रात अचानक ऐसा हुआ, एक आदमी छत से कूदा पर नीचे नहीं आया, वो हवा में गायब हो गया। क्यों लगा ना इंटरेस्टिंग? तुम इस पूरे वेब सीरीज को पा सकते हो कहानीकार सुधांशु राय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उनका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है एंड मुझे तो बहुत मजा आया। तुम भी जाके इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके देखो एंड बताओ तुम्हें कैसा लगा ये सीरीज। उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर देना एंड उस सीरीज को लाइक भी करना अगर तुम्हें वो पहला एपिसोड पसंद आया तो, एंड डेफिनेटली देखने के बाद मुझे भी इन्फॉर्म कर देना कि आखिर तुम्हें वो सीरीज कैसा लगा एंड पहला एपिसोड कैसा था। Thank you.
ये कहानी है 1983 की। कर्नाटका के पवगाड़ा गांव में एक ऐसी चीज़ होने लगी थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस गांव में जितने भी 5 साल या फिर उससे छोटी उम्र के लड़कियां थी, वो रात के टाइम पे अपने आप गायब होने लगे थे। कोई तो उनको गायब कर रहा था या फिर वो अपने आप गायब हो रहे थे। उनके गायब होने के पीछे क्या रीज़न था वो किसी को पता नहीं चल रहा था। सारे परिवार काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे एंड किसी को नहीं पता था कि अगला टर्न किसका हो सकता है और नेक्स्ट किसकी बेटी या फिर किसकी छोटी लड़की गायब हो सकती है। जब भी कोई छोटी लड़की किसी घर से गायब होती थी तो उसके बस कपड़े और खून के निशान मिलते थे और उस लड़की का कोई भी अता पता नहीं होता था। पहले पहले लोगों ने इस केस को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करी एंड पुलिस और लोगों का यही कहना था कि एक मैन ईटिंग उल्फ है, एक आदमखोर भेड़िया है जो उन सारे लड़कियों को रात के टाइम पे आकर खाने के लिए ले जाता है। लेकिन इसके पीछे उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। ये बस एक कहानी थी, एक र्यूमर थी जो लोगों को लगता था कि सच हो सकता है। लेकिन इसके बाद फिर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि अगर कोई भेड़िया आके लेता है तो घर के अंदर घुस के कैसे ले सकता है, वो सिर्फ लड़कियों को ही क्यों लेता है, और अगर कोई भेड़िया एक लड़की को लेकर जाता है तो उसके ड्रैग मार्क्स होने चाहिए, वो उठा के तो नहीं ले सकता। सो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें वहाँ से मिसिंग थी एंड इसीलिए लोग इस थ्योरी को फिर नहीं मानने लगे। एंड इसके बाद एक ऐसी डार्क थ्योरी बाहर आई जिसने सबको डरा दिया। पवगाड़ा गाँव के आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसे पावरफुल तांत्रिक रहते थे जो लोग ब्लैक मैजिक, काला जादू और जादू टोना जैसी चीज़ों को परफॉर्म करते थे। अगला डाउट लोगों का उन्हीं पर गया। लोग कहने लगे कि ये सारे तांत्रिक अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए उनके लड़कियों को किडनैप करते हैं एंड उनकी बलि चढ़ाते हैं, अपने गॉड को उन्हें सैक्रिफाइस कर देते हैं एंड इसी सैक्रिफाइस के लिए उनके गांव के बेटियों को मार देते हैं। एंड ये थियोरी लोगों को एंड इवन पुलिस को ज़्यादा लॉजिकल लगी कि हो सकता है कि तांत्रिक अपने ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करने के लिए इन छोटी लड़कियों को सैक्रिफाइस करते हैं। पर बाद में इस केस को बंद कर दिया गया क्योंकि पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाई। उनके पास लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था एंड लोगों ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया क्योंकि उस गांव में लोगों के मन में तांत्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा डर था। उन्हें लगता था कि जो लोग ब्लैक मैजिक या फिर जादू टोना कर सकते हैं वो उनकी ज़िंदगी भी इसी काला जादू की मदद से बर्बाद कर देंगे एंड इसी डर से लोगों ने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी मना कर दिया एंड किसी ने भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया एंड इसी वजह से ये तांत्रिक वाला केस भी बस एक थियरी बन के रह गया। लेकिन अगर बाद में पता चलता कि इन तांत्रिकों ने भी उन लड़कियों को नहीं लिया था तो शायद ये आज तक की एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती कि आखिर वो लड़कियां जा कहाँ रही थी, उन छोटी बच्चियों को आखिर गायब कौन कर रहा था एंड गायब होने के बाद उनके साथ क्या होता था। थर्टीज़ में दिल्ली के एक नॉर्मल हाउसहोल्ड में शांति देवी का जन्म हुआ था। जब शांति देवी 4 साल की हुई और उन्होंने बोलना सीख लिया था तो उन्होंने एक अजीब चीज़ भी करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने माँ बाप को ये बोलने लगी कि वो माँ बाप उसके असली माँ बाप नहीं है, यानी कि जिन पेरेंट्स ने उन्हें जन्म दिया था वो ये बोलने लगी कि वो उनके असली पेरेंट्स नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने फैमिली को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि उनका नाम शांति देवी नहीं है, उनका नाम लुडगी है और दिल्ली उनका घर नहीं है, उनका एक और अलग गांव है। 4 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दिया था जो उनको कभी सिखाया भी नहीं गया था एंड एक 4 साल का छोटा बच्चा ये सब बातें कर भी नहीं सकता। वो बोलने लगी कि मैं लुडगी देवी हूँ और एक बच्चे को जन्म देते वक्त मेरी डेथ हो गई थी। शांति देवी की इन सारे हरकतों को देखकर उनके सारे घर वाले डर गए थे, स्पेशली उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डर लगा था कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में ये सब इतनी सारी बातें कर कैसे रही है, इसे कौन सिखा रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एक मिरेकल लगने लगा था एंड इसीलिए आखिरकार उन्होंने अपने बच्चे पे थोड़ा सा भरोसा किया एंड जो बातें वो कर रही थी उसको एक बार के लिए सुन लिया। वो शांति देवी को लेकर के उसी गांव में गए जिस गांव की बात शांति देवी कर रही थी एंड बोल रही थी कि वहाँ पे उनका असली घर है। उस गांव को जाने के बाद ऐसी चीज़ें बाहर आईं और ऐसी चीज़ें पता चली जिसके बाद लोगों को री इनकारनेशन या फिर पुनर्जन्म में भरोसा होने लगा था। गाँव को जाते ही शांति देवी ने खुद ही अपने पुराने घर को पहचान लिया। वो अपने पेरेंट्स को उसी घर में लेके गए एंड जब वहाँ पे थोड़ा सा पूछताछ किया गया तो पता चला कि एक्चुअल में उस घर में लुडगी देवी नाम की एक महिला रहती थी, वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी एंड उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनका डेथ हो गया था। इस चीज़ ने शांति देवी के पेरेंट्स को कम्प्लीटली शॉक में डाल दिया था। इवन वहाँ पे जाने के बाद शांति देवी ने अपने घर के हिस्सों को एंड इवन कुछ सदस्यों को भी पहचान लिया था एंड ऐसा बिहेव करने लगी थी कि वो अपने असली घर में आ गई है एंड वहाँ के लोगों से उनका थोड़ा बहुत जान पहचान है।
इन सब चीजों के बाहर आने के बाद सबको यही लगने लगा कि जिन लुटगी देवी की उस घर में मौत हो गई थी उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ था शांति देवी के नाम से। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ बनी बनाई बातें हैं तो एक चीज बता दूं कि हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स ने इस केस पे काफी रिसर्च किया। उन लोगों ने शांति देवी को गलत प्रूव करने की कोशिश करी पर उनसे नहीं हुआ एंड आखिरकार उन्होंने हार मान लिया। उन लोगों के पास दूसरा कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है नहीं और पुनर्जन्म में मानने के लिए भी वो तैयार नहीं थे एंड इसी वजह से ये चीज़ एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन के रह गई है कि क्या एक्चुअल में शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ था एंड क्या वो अपने पिछले ज़िंदगी को याद कर सकती है एंड क्या ये एक रियल केस था री इनकारनेशन का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना। तुम्हें ओवरऑली वीडियो कैसा लगा एंड कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे, कौन से स्टोरीज तुम्हें अच्छे लगे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना एंड ऑल्सो इन वीडियोज़ को उनके साथ शेयर करो जिन्हें ऐसे ही क्रीपी मिस्टीरियस या फिर हॉरर टॉपिक्स पसंद है। बाकी आई होप कि तुम्हें पूरा वीडियो ओवरऑली अच्छा लगा होगा। मैं तुमसे एक और वीडियो में मिलूंगा एंड तब तक तुम मेरे बाकी वीडियोज़ को देख के एंजॉय कर ही सकते हो। बाय।